पहले भी पेपर लीक होता था, इससे पहले 2017 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, उस समय भी वो लोग पकड़े गए थे जो इस परीक्षा पेपर लीक में भी शामिल है। तो आखिर इन बड़े बड़े लोगों पे कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों इन लोगों को छोड़ दिया जाता है? जो सबूत मिला है उससे ये साबित हो गया है कि पेपर लीक था, पहले ही पेपर लीक था और उस पेपर को सॉल्व कराया जा रहा था, आंसर खोजा जा रहा था, आंसर बताया जा रहा था। मोदी सरकार को चाहिए कि इस पे संज्ञान ले और जो 23 लाख अभ्यर्थी है पूरे देश के नीट परीक्षा के, उनके साथ न्याय किया जाए और नीट परीक्षा को रद्द किया जाए। जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त है सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने से सिर्फ 23 लाख अभ्यर्थी ही परेशान नहीं है, सिर्फ 23 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ ही अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि ये भारत के करोड़ों आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता है इससे पेपर लीक से। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, नीट परीक्षा जो 5 मई को आयोजित हुई उसका पेपर लीक हो गया था और पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है, कई अभ्यर्थियों को पकड़ा है, कई सेटरों को भी पकड़ा है और सिर्फ बिहार से ही नहीं, बिहार के अलावा झारखंड, यूपी, राजस्थान एवं अन्य कई राज्यों से सेटरों को और उन अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है जो सेटिंग करा रहे थे। स्कॉलर पकड़े गए हैं जो दूसरे के बदला में परीक्षा में बैठे थे और उन लोगों के पास से जो सबूत मिला है उससे ये साबित हो गया है कि पेपर लीक था, पहले ही पेपर लीक था और उस पेपर को सॉल्व कराया जा रहा था, आंसर खोजा जा रहा था, आंसर बताया जा रहा था, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा था हॉस्पिटल में रहकर, पटना के एक हॉस्पिटल में आंसर सॉल्व करवाया जा रहा था और पटना पुलिस ने जो जांच किया उसमें पुख्ता सबूत मिला है, साक्ष्य मिला है। और इसलिए अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले, मोदी सरकार को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और जो 23 लाख अभ्यर्थी है पूरे देश के नीट परीक्षा के, उनके साथ न्याय किया जाए और नीट परीक्षा को रद्द किया जाए और इस परीक्षा को फिर से साफ सुथरे तरीके से आयोजित करवाई जाए जिसमें कोई पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो और इस पेपर लीक में जो भी संलिप्त हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा सेटर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी या बड़ा से बड़ा कोचिंग संचालक क्यों ना हो, सबको जेल भेजा जाए, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आगे भी किसी परीक्षा में पेपर लीक होगा या नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है, आगे भी पेपर लीक होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, हम ये मांग कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के हित में नीट परीक्षा को रद्द करवाया जाए और इस परीक्षा को फिर से आयोजित करवाई जाए और जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त है सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने से सिर्फ 23 लाख अभ्यर्थी ही परेशान नहीं है, सिर्फ 23 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ ही अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि ये भारत के करोड़ों आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता है इससे पेपर लीक से। क्योंकि जो पेपर लीक कराकर धांधली सेटिंग करके डॉक्टर बनेंगे, क्या वो सही से इलाज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सही से इलाज कर पाएंगे। और पता चलेगा किडनी खराब है और दवा दे दिया जाएगा लीवर का, लीवर भी खराब हो जाएगा। और यही वजह है कि देखिएगा कि बड़े बड़े नेता जो है वो जल्दी सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं इलाज कराने। और खासकर हम तो बिहार में देखते हैं कि बिहार के नेता लोग को कुछ भी होता है तो बिहार से बाहर जाकर इलाज कराते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन लोगों को पता है कि परीक्षा में जो सिंधमारी होती है, धांधली सेटिंग होती है तो फर्जी डॉक्टर बहुत बन जाते हैं। तो क्या पता उनका इलाज कोई फर्जी डॉक्टर ही तो नहीं कर रहा है, तो उनकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए ये लोग बाहर जाकर इलाज कराते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर हैं वो फर्जी डॉक्टर ही हैं, नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बने हैं, फर्जी डिग्री लिए हैं, नीट परीक्षा हो या कोई और भी। पहले तो नीट परीक्षा नहीं होती थी, तो पहले जो अलग अलग स्टेट का अपना मेडिकल एग्जाम होता था, सेंट्रल का अलग होता, उसमें भी सेटिंग होता था। और अभी जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है ये साबित हो चुका है कि इसका पेपर लीक है, पहले भी पेपर लीक होता था, इससे पहले 2017 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, उस समय भी वो लोग पकड़े गए थे जो इस परीक्षा पेपर लीक में भी शामिल है। तो आखिर इन बड़े बड़े लोगों पे कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों इन लोगों को छोड़ दिया जाता है? जब पुख्ता सबूत है, पुख्ता साक्ष्य है पटना पुलिस के पास कि पेपर लीक है और उन्होंने कहा भी है, पटना पुलिस ने कहा भी है कि पेपर लीक है। इसलिए अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले की CBI जाँच कराएं, क्योंकि ये केंद्र का मामला है, ये केंद्रीय सरकार के अधीन ये परीक्षा आयोजित हो रही है। तो इसलिए हम मोदी सरकार से आग्रह कर रहे हैं, केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक की CBI जांच कराई जाए और नीट परीक्षा को रद्द कर
इस परीक्षा को पुनः पारदर्शी ढंग से आयोजित कराया जाए, जिसमें कोई पेपर लीक ना हो, ताकि ये जो 23 लाख अभ्यर्थी है उनको न्याय मिल सके और देश की करोड़ों जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो।